नमस्कार और स्वागत है आपका मान्य एजुकेशन में। MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल की इस यूनिट में, जिसका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आज हम लोग इस लेसन में ये जानेंगे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है और हमारे किस काम आती है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये लेसन शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। संचार प्रौद्योगिकी जो है, उससे मतलब ये हुआ कि ये संचार के काम आती है ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें कम्युनिकेशन करने पे फैसिलिटेट करती है, जो हमारे कम्युनिकेशन को ईजी बनाती है, एक्यूरेट बनाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इसमें इंफॉर्मेशन शब्द जुड़ा हुआ है, इससे ये मतलब ये है कि बहुत सारा डेटा जो इस दुनिया में बिखरा पड़ा है, उसमें से हमारे काम की चीज़ को बाहर निकालने में ये टेक्नोलॉजी मदद करती है। तो दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं यहाँ पर कि हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT दो चीज़ों में मदद करता है। एक तो हमें इंफॉर्मेशन दिलाता है जो हमारे काम की चीज़ है, और दूसरा हमें कम्युनिकेशन कर सकें हम लोग, इस चीज में फैसिलिटेट करता है, हमारा कम्युनिकेशन बेहतर बनाता है, इजी बनाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर, रिट्राइव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा, यानी हमारे डेटा को हम स्टोर कर सकें कंप्यूटर की मदद से, रिट्राइव कर सकें यानी जब जरूरत हो तो डेटा को हम प्राप्त कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य कंप्यूटर पे, किसी अन्य सर्वर पे भेज सकें, और मैनिपुलेट कर सकें जब जरूरत हो तो उस डेटा में चेंजेस भी कर सकें, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिजनेस और अदर एंटरप्राइज। तो डेटा और इंफॉर्मेशन पे जो भी काम करना है वो हम लोग कंप्यूटर की मदद से और सिमिलर डिवाइसेस, कंप्यूटर से जो सिमिलर डिवाइसेस है यानी टेबलेट, मोबाइल्स, ये सब भी उसी में शामिल हैं, इनकी मदद से डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, रिट्राइव कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। और ये किसके परिप्रेक्ष्य में होता है, ज़्यादातर बिजनेस या उससे मिलते जुलते अलग एंटरप्राइजेज में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ गए, ICT नाम से हम लोग ये समझ गए कि इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वही कहा जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, जब ICT का इस्तेमाल होगा, जब ICT का एप्लीकेशन होगा, तो उसमें कुछ चीजें होंगी जो अपने आप उसमें शामिल हो जाएंगी। ये कंपोनेंट्स हैं ICT के। तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लाउड कंप्यूटिंग। बहुत लोगों ने आप में से क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना होगा और बहुत ही पॉपुलर टर्म है आज का। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब डेटा सेंटर्स अवेलेबल टू मेनी यूजर्स ओवर द इंटरनेट। किस परिप्रेक्ष्य में यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? डेटा सेंटर्स के परिप्रेक्ष्य में, यानी दुनिया में बहुत सारे डेटा सेंटर्स उपलब्ध हैं, उनमें कहीं पर भी हमारे डेटा जाके सेव होता है। अब जैसे सपोज करिए, हम लोग किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और हमने कोई डेटा उस वेबसाइट की मदद से सेव किया, हमको नहीं पता होता है कि किस पर्टिकुलर सर्वर में, जो कि किस पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर ये डेटा सेव होता है। ये काम किसका होता है? जो वेबसाइट मेंटेन करने वाले डेवलपर्स की टीम होती है और जो कंपनी उस वेबसाइट को मेंटेन करती है, वो इस बात की गारंटी लेती है कि हमारा डेटा कहीं ना कहीं पर जाके सेव होगा और सुरक्षित रहेगा। तो जहाँ पे सेव होगा वो क्या होंगे? सर्वर्स होंगे। सर्वर्स कहाँ पे होंगे? डेटा सेंटर्स में होंगे। तो डेटा सेंटर्स बहुत सारे जो होते हैं, इन्हीं को हम जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी है और स्टोरेज करने की जो तरीका है, क्षमता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड्स में बी लिमिटेड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एंटरप्राइज क्लाउड्स कहते हैं, बी अवेलेबल टू मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे पब्लिक क्लाउड कहते हैं, या फिर एक कॉम्बिनेशन भी होता है जिसे हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंपनी अपना एक खुद का एक इंटरनेट बनाती है, उसमें एक वेबसाइट बनाती है जिसमें उस कंपनी के लोग ही डेटा जो है वो डाल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, और उस कंपनी ने अपना एक सर्वर भी बना लिया है, उसी सर्वर पे डेटा जो है वो
स्टोर होता है। तो ये क्या हो गया, एंटरप्राइज क्लाउड हो गया, यानी उस सर्वर को कोई दूसरी कंपनी, बाहर की कंपनी जो है वो यूज़ नहीं कर सकती है। अब कुछ ऐसे सर्वर भी होते हैं जिनमें बहुत सारे कंपनीज जुड़ जाते हैं, बहुत सारे कंपनीज किराए पर वो सर्वर ले लेते हैं, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज जुड़ जाती हैं और बहुत सारी कंपनीज का डेटा एक पर्टिकुलर सर्वर में आके स्टोर होने लग जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं पब्लिक क्लाउड, ठीक है, पब्लिक क्लाउड। और यदि इन दोनों का हाइब्रिड हो, कोई सर्वर ऐसा हो जिसमें अपना खुद का डेटा भी हम डाल रहे हैं प्लस दूसरों को भी किराए पर दिया है, तो इस तरह के जो सर्वर होते हैं वो कहलाते हैं हाइब्रिड क्लाउड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आईसीटी का, वह है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बिना तो खैर आईसीटी हो ही नहीं सकता है, ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए, हमारे टास्क को ऑपरेट करने के लिए जो यूज में आते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो है वो आईसीटी का प्रमुख कॉम्पोनेंट है। उसके बाद आईसीटी के प्रमुख कंपोनेंट में से हार्डवेयर आएगा। तो आप जब आईसीटी का इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको हार्डवेयर जो है वो स्पेसिफिक टाइप के हार्डवेयर आपको लाने पड़ेंगे। आपको जिस तरह का काम करना है उसी प्रकार के हार्डवेयर आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। तो हार्डवेयर से मतलब है इट रिफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स, ठीक है, दैट मेक अप अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड एवरीथिंग एल्स इन्वॉल्व्ड दैट इज फिजिकली टैंजिबल। तो वो चीज़ें जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगी। आप कंप्यूटर खरीदेंगे, आप नेटवर्क बनाएंगे, आप सर्वर खरीदेंगे, आप हब खरीदेंगे, आप स्विच खरीदेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल एलिमेंट्स, वो सारे के सारे मिलके हार्डवेयर कंपोनेंट बन जाएंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे, आईसीटी ही तो तभी मानी जाएगी ना जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। आप खाली कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर लगा के बैठे थोड़े ही रहेंगे, आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तभी तो डेटा बनेगा, तभी तो वो जाके स्टोर होगा, बाद में रिट्राइव होगा। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होना आईसीटी का एक प्रमुख कॉन्सेप्ट है, एक प्रमुख कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑनलाइन और ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट द यूज ऑफ पेपर। किसी ने कुछ सपोज करिए सो एंड सो प्रमाण पत्र के लिए किसी व्यक्ति ने किया अप्लाई, ठीक है, किसी सरकारी वेबसाइट पे, तो उसने पेपर का इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपना डेटा जो है वो डिजिटल रूप में आपको दिया, आपके पास डेटा आके आपके सर्वर पे सेव हुआ, ये हो गया एक डिजिटल ट्रांजैक्शन। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन, जैसे ये तो ट्रांजैक्शन हुआ पब्लिक टू ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको जो भी करना है ऑर्गेनाइजेशन को उस डेटा में जो भी प्रोसेसिंग करनी है और जो रिजल्ट अब आपको देना है, आपको प्रमाण पत्र सपोज उस व्यक्ति को देना है, तो उस प्रमाण पत्र को आपने उस व्यक्ति के पास पहुंचाया, उस व्यक्ति के या तो लॉगिन में डाल दिया, या तो उस व्यक्ति के ईमेल में डाल दिया, या तो उस व्यक्ति को डाउनलोडेबल लिंक दे दी, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन टू पीपल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन टू द पर्सन, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस होना आईसीटी में बहुत ही जरूरी है। डिजिटल डेटा होना जरूरी है, जैसे मैंने अभी बोला कि किसी ने किसी प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया तो उसने डिजिटल डेटा दिया, उसने पेपर आके आपके पास नहीं दिया, ठीक है। तो पेपर का यूज तो होना नहीं है, तो डिजिटल डेटा का क्या मतलब हुआ, डेटा दैट रिप्रेजेंट्स अदर फॉर्म्स ऑफ डेटा यूजिंग स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज सिस्टम्स। तो डिजिटल डेटा यानी एक मशीन लैंग्वेज में, एक स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज में चेंज हुआ डेटा आपके पास आके उपलब्ध हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस होना बहुत ही जरूरी है, और इंटरनेट एक्सेस के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हार्डवेयर और ये सब तो जो है वो है ही, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह कंपोनेंट्स ऑफ आईटी। इंटरनेट एक्सेस जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जितना ही इतना इंपॉर्टेंट भी है, है ना, क्योंकि आपने सब कुछ जुगाड़ कर लिया, अब आपने इंटरनेट एक्सेस ही नहीं दिया तो फिर उसका कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि फिर भी कुछ तो थोड़ा बहुत तो मतलब होता ही है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो आपस में किए जा सकते हैं, किसी और डिवाइस के द्वारा भी डेटा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो एक बहुत ही पिछड़ापन जैसी चीज़ हो जाएगी। तो इंटरनेट एक्सेस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि पब्लिक जो है कि आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, आप तक पहुंच सके, एक कनेक्टिविटी बन जाए, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, ठीक है,
यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइल डिवाइसेस बाय यूजर्स और इंटरप्राइजेस। तो आपने आईसीटी का इस्तेमाल किया, आपने एक पोर्टल बना दिया, आपने कोई दूसरे तरीके से आपने आईसीटी का इस्तेमाल किया, पब्लिक आपके तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, पब्लिक भी इंटरनेट से जुड़ी हुई है, तो आपके बीच में एक कनेक्टिविटी पैदा हो जाएगी। तो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन इंटरनेट एक्सेस। क्या क्या? इंक्लूडिंग वायरलेस कनेक्शन हो सकता है, मोबाइल कनेक्शन हो सकता है, हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, डायलअप हो सकता है, ब्रॉडबैंड हो सकता है। डायलअप तो देखिए अब पुराने जमाने की बात हो गई, आप आज के जमाने में नहीं मिलेगा आपको। डीएसएल या सैटेलाइट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन में खास तौर से आईसीटी का क्या रोल है। आपने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको एक एक करके आप पढ़िएगा। और यहाँ पर ये जो लोगो बना हुआ है स्वयं पोर्टल का, ये भारत सरकार का एक ऐसा पोर्टल है जिसमें आप कोई भी कोर्स जाके कर सकते हैं और आपको इसका सर्टिफिकेशन भी मिलता है। ऑनलाइन चलता है यह पूरी की तरह। इसका यदि आपने आज तक इस्तेमाल नहीं किया या फिर आपको आज तक मालूम ही नहीं था कि स्वयं पोर्टल क्या है, तो अभी जाके इसको देखिएगा आप। अभी आप इसको सर्च करिए, इस वेबसाइट पे जाइए, इसके कोर्सेज देखिए, और आपको जो कोर्स पसंद आए, समझ में आए, तो लोगों को बताइए भी इस पोर्टल के बारे में। ये भारत सरकार का बहुत ही बड़ा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लाभ आप भी लीजिए, ठीक है। तो एजुकेशन में आईसीटी किस किस तरह से हो जाती है? स्मार्ट क्लासेस हो जाते हैं। स्मार्ट क्लासेस यानी स्मार्ट बोर्ड आपने देखा होगा, है ना, जिसपे आप कोई भी चीज़ डिस्प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरह। आप उस स्क्रीन पे लिख भी सकते हैं, आप उस स्क्रीन को आप लाइव यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, अपने पोर्टल पे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा स्मार्ट क्लास जो है वो बना दिया जाता है। लाइव क्लासेस लिए जाते हैं इसमें, रिकॉर्डेड ना सही बल्कि लाइव क्लासेस हो जाती हैं, वो स्मार्ट क्लास की मदद से ही हो जाती हैं। कई लोग जो हैं अपने लैपटॉप से ही लाइव हो जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपने देखा होगा, ठीक है। वीडियो चैट्स, आजकल जैसे लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, वीडियो चैट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब व्हाट्सएप और इससे जो मिलते जुलते कुछ ऐप्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाने लगा अपनी क्लासेस को करने में, डिजिटल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चलाने में। रिकॉर्डेड लेसन्स डाल दिए जाते हैं, किसी सर्वर पर डाल दिए जाते हैं, लिंक दे दिया जाता है, यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, इस तरह से लोग लाभ लेते हैं रिकॉर्डेड लेसन्स देखने का। ऑडियो बुक्स होते हैं बहुत सारे, ऑडियो बुक्स जो है वो कान में लगा के बच्चे सुनते रह सकते हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऑनलाइन प्रेजेंस या इंटरेक्शन होता है, टीचर से आप मिल सकते हैं, आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, वन टू वन बात कर सकते हैं, ठीक है। ई लाइब्रेरी होती है जिससे आप बहुत सारी किताबें जो है वो पढ़ सकते हैं। तो कितनी चीज़ें हो गई आईसीटी इन एजुकेशन में, स्मार्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, वीडियो चैट्स, रिकॉर्डेड लेसन्स, ऑडियो बुक्स, ऑनलाइन प्रेजेंस, इंटरेक्शन और ई लाइब्रेरी। तो इतनी सारी चीज़ें आप एजुकेशन में देखेंगे। और आईसीटी जो है, मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और अभी तो और बढ़ेगा। अभी तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पार्ट एजुकेशन का जो है वो डिजिटली बन जाएगा, वो सीधा आईसीटी की मदद से ही चलेगा, ठीक है। और ये स्वयं पोर्टल के बारे में ज़रूर देखिएगा। अब आईसीटी जो है वो ऑफिस में किस तरह से, मैं खास तौर से सरकारी ऑफिसेज की बात करूंगा यहाँ पे। आपने ई ऑफिस का सुना होगा, ये एनआईसी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें ऑफिस का पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाता है, डिजिटल मोड में हो जाता है, पेपरलेस हो जाता है, ठीक है। और इससे जो है वो फाइलों का मूवमेंट वगैरह बहुत तेज हो जाता है, सबकी जिम्मेदारी तय हो जाती है। बहुत ही शानदार परियोजना है ये, हालांकि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, पर इसकी कोशिश जारी है, धीरे धीरे चल रहा है काम, ठीक है। तो आईसीटी इन ऑफिस के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? ई ऑफिस, जो मैंने अब आपको अभी बताया, ई ऑफिस, ठीक है। वीसी सिस्टम्स, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में इंटरेक्ट करने के लिए, हालांकि काफ़ी ज़्यादा अभी भी यूज़ हो रहा है ये। मैसेजिंग सिस्टम्स, कोई आदेश निकला, कोई मैसेज निकला, कोई कुछ ऐसा है तो उसको तेज़ी से पहुँचाने, चिट्ठी पत्री का तो जमाना चला गया है ना, अब तो बल्कि ईमेल भी ऐसा हो जाता है कि आदमी देखता बहुत बाद में है। त्वरित कोई मैसेज देना है तो जस्ट शूट अ मैसेज ऑन सम ऐप, तो मैसेजिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल है। ऑनलाइन अटेंडेंस, अपने एक सार्थक ऐप का नाम हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, सार्थक ऐप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक ऐप है जो कि ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ये एक जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस ऐप है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने 100 मीटर के दायरे में आकर, अपने ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में आकर अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकता है दिन में 2 बार, मतलब इन हो सकता है और आउट हो सकता है। ठीक है, सार्थक नाम है इस ऐप का। तो सार्थक ऐप जो है वो ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए काम आता है। पेरोल सिस्टम्स, बहुत सारे पेरोल सिस्टम्स आते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी मैं देख रहा हूँ कि पेरोल सिस्टम्स का इस्तेमाल काफ़ी करना चालू कर दिया है अब उन्होंने। ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम्स, अपने कोई शिकायतें परेशानी जो हैं वो कुछ इंटरनल पोर्टल्स बने हुए हैं बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, प्राइवेट ऑफिसर्स के, वहाँ पे आप अपनी परेशानियाँ डाल सकते हैं और फिर उनका निराकरण उसी हिसाब से जो है संबंधित अधिकारी या डिपार्टमेंट करते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यदि आपका अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।